इसी के बाद में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, दैट विल बी लिंकेज एज वेल. लिंकेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है ना. चलो हम पहले देखते हैं, विल डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्या बताया पहला पॉइंट इन्होंने? पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं और इनके ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर दे आर करेंट पीयर, पीयर में होते हैं. इसके मतलब अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए आ सकता है या कैपिटल ए भी आ सकता है. पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स, फैक्टर्स को आप बोल भी सकते हो जीन्स, ऑकर इन पीयर, ऑकर इन पीयर, ये पीयर में होते. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, अगर मैं यहां पे सेकंड पॉइंट की बात करूं, मैं थोड़ा अंडरस्टैंड कराऊं आप लोगों को क्या है असल में. आप समझ लो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, समझ लो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. समझने की कोशिश करना, ठीक है ना. मैं ऐसे बनाऊंगा समझाने के लिए. ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम, ये पीयर है, होमोलॉगस पीयर्स. समझ लो दिस इज अ क्रोमोसोम वन, दिस इज अ क्रोमोसोम वन एंड दिस इज अ क्रोमोसोम टू, दिस इज अ क्रोमोसोम टू. ठीक है बेटा. अब ये क्रोमोसोम, मेरा पॉइंट सब याद रखना इधर, समझने की कोशिश करना. अब ये दो क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट हो जाएंगे. कब हो जाएंगे सेग्रीगेट? मियोस में. इजंट इट? अब देखो ये मियोस में सेग्रीगेट हो जाएगा. आप समझ लो ये सेग्रीगेट हो गया, ये भी सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया. अब ये भी सेग्रीगेट हो जाएंगे ना मियोस में, और इंडिपेंडेंटली एसर्ट भी हो जाएंगे. आप समझ लो ये इसके साथ बाइंड हो सकता है और ये इसके साथ बाइंड हो, जरूरी नहीं है ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ आ, ये इसके साथ जा सकता है, जरूरी नहीं है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको आप बोलोगे ये हो जाएगा. मैंने क्रोमोसोम्स की बात की, ठीक है ना. चलो फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है ना. अब फैक्टर्स पे आ जाते हैं. हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है वो मियोस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव पैरेलल बिहेवियर एंड पैरेलल बिहेवियर की वजह से वो दो होते हैं, पेयर में होते हैं. और उससे क्या होता है कि जब मियोस हो जाते हैं सेग्रीगेशन में, सेपरेशन में क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली असर्ट हो जाते हैं. इसे मतलब गैमेट्स में क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असर्ट हो जाते हैं. जैसे वन वन सेग्रीगेट हो गया, वन वन सेग्रीगेट हो गया, हमने बोला अलग अलग हो गया, टू टू भी अलग अलग हो जाएगा. इसका मतलब अब गैमेट्स में इस साइड 23 आ जाएंगे, इस साइड 23 आ जाएंगे, इजंट इट. अगर हम मेल्स की बात करेंगे, लेकिन अब ये टू जो है इसके साथ असर्ट हो सकता है, ये टू इसके साथ असर्ट हो सकता है. बात आई मेरे समझ में? इसका मतलब जो हमारे पास 23 पेयर्स है, एक का वन एक साइड के, वो सब पेयर्स क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, फिर वो इंडिपेंडेंटली असर्ट हो जाएंगे. ऐसे नहीं है कि एक 23 एक साइड से चले जाएंगे, दूसरे 23 अलग से, नहीं, उसका सेकंड आ सकता है और इसका सेकंड उधर जा सकता है. सो इंडिपेंडेंटली असर्ट हो सकते हैं, मेरा पॉइंट ही है, ठीक है ना. सो इंडिपेंडेंटली असर्ट, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, किसके लिए? असर्टमेंट के लिए. एक तो सेग्रीगेशन हो जाती है इनकी और दूसरी बात इंडिपेंडेंटली असर्ट हो जाते हैं. एक तो ये पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, अगर हम इस क्रोमोसोम को लेते हैं, पॉइंट टू बी नोट दिस इंपॉर्टेंट, अगर हम इन दो क्रोमोसोम्स को लेते हैं, समझ लो ये भी क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. आप समझ लो ये क्रोमोसोम वन है और ये भी क्रोमोसोम वन है, ये क्रोमोसोम टू है और ये भी क्रोमोसोम टू है, ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आप समझ लो जीन लोकेट है. आप समझ लो ये जीन जो है ये यहाँ पे समझ लो ए है और ये इसका स्मॉल ए, ठीक है बेटा. और यहाँ पे भी हमारे पास जीन लोकेट है, समझ लो ये हमारे पास बी है और ये इसका क्या है, स्मॉल बी है. अब ये भी तो सेग्रीगेट हो जाएंगे. जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए तो ये भी सेग्रीगेट हो गए और ये भी क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असर्ट. जैसे ये कैपिटल ए इस स्मॉल बी के साथ बाइंड हो सकता है, कैपिटल बी के साथ, तो ए भी बना सकता है. अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ कंबाइन हो सकता है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस. कब हो सकता है? पॉइंट टू बी कब हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगा, इजंट इट.
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हम ये बोलेंगे ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ बाइंड हो सकता है, तो हमारे पास ये दो क्रोमोसोम एक में ही आएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ए बी हो जाएगा। अभी क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं, अभी हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। यहां गैमेट आ सकता है कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है बेटा, फिर ये स्मॉल ए भी इसके साथ हो सकता है, तो हमारे पास सकता है स्मॉल बी कैपिटल, स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर हम बोलेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी बाइंड हो सकता है, तो हमारे पास आ सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरह के हमारे पास गैमेट जो है आ सकते हैं ड्यूरिंग असॉर्टमेंट, इजंट इट। मेरा पॉइंट फिर एक बार सुनो, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, समझ लो पेयर में है ये, तो हम बोलेंगे पल्लल बिहेवियर हमें अंडरस्टैंड करना है कि अब ये क्रोमोसोम जो है, आप समझ लो ये दो क्रोमोसोम्स है, अब ये दो क्रोमोसोम जो है होमोलॉग्स है, और जब मियास हो जाती है दे गेट सेग्रीगेटेड, अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे सेकंड भी अलग अलग हो जाएंगे, थर्ड भी अलग अलग हो जाएगी। अब इनको एसार्ट होना है किसके लिए, गेमेट फॉर्मेशन के लिए। नाउ दे गेट इंडिपेंडेंटली एसार्ट, जरूरी नहीं है ये इसका वन है ये दूसरे का टू आ सकता है, इसके एसार्ट हो सकता है, और 23 क्रोमोसोम एक साइड से बन सकते हैं, 23 दूसरे साइड से। एसार्टमेंट जो होगी इनकी वो डिफरेंट हो सकती है, दे गेट इंडिपेंडेंटली एसार्टेड, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है एसार्टमेंट के लिए। आप बोलोगे ये दो पेयर्स है, आप समझ लो ये वन वन है, समझ लो ये वन वन क्रोमोसोम है, अभी अभी क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये सेपरेट हो गए। अब जरूरी नहीं है ये वन और ये वन अलग अलग जा सकता है, ये वन एक में जाएगा ये दूसरे में जाएगा, इंडिपेंडेंटली असर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों एक ही में आएंगे, इंडिपेंडेंटली असर्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि हमने देखा वन वन सेपरेट हो गए, फिर ये दो जो है ये भी सेग्रीगेट हो गए क्योंकि बियास में। अब ये जरूरी नहीं, आप बोलोगे ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, ये जा सकता है इसके पास भी और ये जा सकता है इसके पास भी, ये जा सकता है इसके पास भी और ये जा सकता है इसके पास भी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर ईच अदर, ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है, समझ लीजिए वन क्रोमोसोम है सेकंड क्रोमोसोम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया कि अब हमने देखा कि ये क्या करेंगे, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ज्यूरिंग व्हाट, ज्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और जब ये गैमेट फॉर्म में सेग्रीगेट हो जाएंगे ये ए वाला क्रोमोसोम जो है इस बी वाले क्रोमोसोम के साथ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना, चांसेस है ना, तो हम ये बोलेंगे ए बी वाला गैमेट बन सकता है, ये ए जो है इस स्मॉल बी वाले क्रोमोसोम के साथ भी आ सकता है ना, इसकी भी चांसेस है क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में समझा रहा हूं, तो हम ये बोलेंगे ए बी आने के भी चांसेस है। अब ये ए जो है इस कैपिटल बी वाले क्रोमोसोम के भी आने के चांसेस है, ऐसा भी हो पॉसिबिलिटी ये दो बाइंड हो जाए, ये दो ऐसा हो जाए, तो हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल बी आने के चांसेस है, और ये भी हो सकता है स्मॉल ए और स्मॉल बी क्रोमोसोम एसार्ट हो जाए तो ये वाला गैमेट भी बन सकता है, चांसेस ये है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो क्या होते हैं, जो हमारे पास ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो पियर में होते हैं, या हमारे पास जो फैक्ट जो पियर में होते हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाते हैं, या दिखाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कब, ड्यूरिंग मियोसिस, इन विच स्टेज, इन अ पेकाइटिन स्टेज, सॉरी इन विच स्टेज, इन अ मियोसिस, आप याद रखो इन अ मियोसिस दे गेट सेग्रीगेटेड, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, और क्यों होते हैं सेग्रीगेट, बिकॉज बोथ हैव अ पैरेलल बिहेवियर, इन दोनों का क्या बिहेवियर होता है, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम ये बोल सकते हैं, और एक पॉइंट में लिखाऊंगा आपको यहां पे, तो लिखो आप, द क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स एंड जीन्स, बोल सको आप फैक्टर्स ओब्लिक जीन्स, दे गेट सेग्रीगेटेड, दे गेट सेग्रीगेटेड during meiosis, and also get independently, and also get independently assorted during gamete formation, during gamete formation,
बिकॉज ऑफ पैरेलल बिहेवियर। अब बोथ क्रोमोसोम्स है जीन्स सेग्रीगेट हो जाते। अब मैं एक चीज यहां पे क्लियर करूंगा आप लोगों को। हमने देखा क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, देखा हमने। जैसे मैं फिर एक बार अंडरस्टैंड कराऊंगा आप लोगों को, आप समझ लीजिए हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं और ये भी क्रोमोसोम्स हैं, इजंट इट। अब इसको मैं दूसरे कलर से ले लूं समझाने के लिए आप लोगों को, चीजें समझनी है, ठीक है ना, चीजों को समझना है। देखो अब इसके बाद हम लिंकेज पढ़ने वाले हैं ताकि चीजें कंफ्यूज ना हो आप लोगों को, मैं पहले से क्लियर कर दूंगा इन चीजों को। आप समझ लो हमारे पास ये एक पेयर है क्रोमोसोम की, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वन पेयर, ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है क्रोमोसोम, इजंट इट। नाउ दे गेट सेग्रीगेटेड और दे गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इजंट इट, ज्यूरिंग और ज्यूरिंग यर्स, यू नो अबाउट दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। अब अगर मैं आप बोलोगे कि ये तो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, दे गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना बेटा, ये शो करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग हो जाएंगे। जरा मुझे ये चीज समझाओ, आप लोगों को मैं समझाने के लिए बताऊंगा, मुझे बताओ आप समझ लो ये हो गए क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ये रेड तो अलग हो जाएंगे और ग्रीन ब्लू तो अलग हो जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे हमने डायमंड क्लास में पढ़ा था, हो गए क्रोमोसोम्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो मुझे बता अगर मैं इस दो क्रोमोसोम्स पे आ जाऊं, बात सुनो मेरी सब, इस दो क्रोमोसोम्स पे आ जाओ, मुझे बता ये जीन्स और ये जीन क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, दिखाएंगे जरा गेस करो, दिखाएंगे, मुझे बताओ अगर मैं ये वाला यहां पे बनाऊ बी एंड बी, क्या ये लॉ, क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, दिखाएंगे ये दो, कहां दिखाएंगे, ए बी के साथ ये नहीं दिखाते। व्हेनेवर यू हैव टू स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड द जीन्स शुड बी लोकेट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम फैक्टर्स का जरूरी है, दे शुड बी इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर तुम डिफरेंट क्रोमोसोम पे आसन, बात सुनो मेरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो जाएगा, वहां पे होती है लिंकेज, क्या होती है, व्हाट यू कॉल दीस टू एज, टेल मी, दे आर लोकेटेड ऑन सेम, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंकेज, दिस आल्सो कॉल्ड एज अ लिंकेज, इनको आप लिंकेज बोलोगे। मैं फिर एक बार बता रहा हूं मैंने क्यों लिए थे दो क्रोमोसोम, आपको समझ में नहीं आया शायद, ये एक है ये दूसरा है, इजंट इट, से दिस इज अ क्रोमोसोम वन, क्रोमोसोम वन, व्हाट इज द जीन लोकेटेड हियर, A, what is the gene located here? B, isn't it? Sorry, E. Small. फिर मैंने दूसरा लिया था ना यहाँ पे पियर, ली थी कि नहीं ली थी मुझे बता, ठीक है बेटा, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या रखा था, से यहाँ पे मैंने रखा था, से यहाँ पे मैंने रखा था कैपिटल B और यहाँ पे मैंने रखा था स्मॉल B। फिर मैंने बताया था आपको कि ये क्या करेंगे, दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बोला था मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या मैंने बोला था आपको ये दो दिखाएंगे, इसका मतलब फैक्टर्स का या जीन्स का डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे रहना उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगी। सो हम ये बोलेंगे यहां पे पॉसिबल है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज देयर पॉसिबल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहां पे पॉसिबल नहीं है, दिस विल बी कमिंग अंडर We study it will be linkage. ये किसके अंदर आ जाएगा हमें? जब हम लिंकेज को पढ़ेंगे ना मैं ये क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इन दो क्रोमोसोम के बीच में, क्योंकि फैक्टर्स दे आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, आप देखो ये क्रोमोसोम वन है ये क्रोमोसोम टू है, तो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर जब आपको क्या मिलेगा,
फैक्टर्स मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे, तभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम्हें दो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही पेयर के ऊपर, या डिफरेंट, ये तो डिफरेंट नहीं है, तो एक ही है, क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम वन, यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज व्हाई जब मैं गैमेट फॉर्मेशन करता हूं, इधर सुनो बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया ए बाइंड्स विद कैपिटल बी, ऐसा गैमेट आ सकता है। ए में बाइंड विद स्मॉल बी, ऐसा गैमेट आ सकता है। स्मॉल ए में बाइंड विद कैपिटल बी, ऐसा गैमेट आ सकता है। स्मॉल ए में बाइंड विद स्मॉल बी, ऐसा गैमेट आ सकता है। क्या मैंने ये बताया था आपको वहां पे ए ए आएगा, बी बी आएगा, मैंने बोला था वहां पे जब मैंने गैमेट फॉर्मेशन की थी डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। आप देखो, जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया था तो डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने आपको बताया था कैपिटल ए बाइंड्स विद कैपिटल बी पहला गैमेट, कैपिटल ए बाइंड्स विद स्मॉल बी सेकंड गैमेट, स्मॉल ए बाइंड्स विद कैपिटल बी अनदर गैमेट, स्मॉल ए बाइंड्स विद स्मॉल बी अनदर गैमेट। सो याद रखोगे आप कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है दे गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, ओके, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, कोई भी पेयर क्यों ना हो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती है। आप देखो कैसे ये सेपरेट हो गए, ये दो भी सेपरेट हो गए, फिर असॉर्ट हो गए। लेकिन फैक्टर्स का याद रखोगे आप, इफ फैक्टर्स आर लोकेट ऑन ए सेम क्रोमोसोम दे डू नॉट गेट असॉर्टेड, द क्रोमोसोम द जीन्स और द फैक्टर शुड बी लोकेट ऑन ए डिफरेंट क्रोमोसोम देन दे गेट असॉर्टेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है देन द कंडीशन विल बी लिंकेज, व्हाट विल बी कंडीशन कॉल्ड है लिंकेज पॉइंट टू बी नो, इसी के बाद हम लिंकेज पढ़ने वाले हैं। इसको इस सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू क्रॉस। तो हम ये पहले लिख सकते हैं, आप लिखो और एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा इसको। तो आप लिखो क्रोमोसोम्स गेट असॉर्टेड, यस, क्रोमोसोम्स गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम्स गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ओके, ऑल क्रोमोसोम्स गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ऑल लिख सकते हो। But here you have to mind this point important. This is the most important point. Factors oblique genes get assorted when located on different chromosomes. When locate on different chromosomes. This is most important point. ये point सबसे ज्यादा important जो confusing है, लोग इसमें confusion में चले जाते हैं। क्या है important point मुझे बताओ? Factors और जो genes हैं, हाँ genes, ये assort होते हैं तभी when they are located on different. हाँ different chromosomes. This is the most important point. ठीक है? तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे, ये भी आप बोल सकते हो, जैसे मैं इसको अंडरस्टैंड करा और एक तरीके से मैं इसको रब करूँ, उसके बाद हम कल इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करेंगे कल, ठीक है। इधर सुनो मेरी बात सब, अब इधर आओ, ये एक क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर है, ठीक है ना बेटा, और ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक होमोलॉगस पेयर है, ठीक है, समझ लो ये क्रोमोसोम वन है और ये भी क्रोमोसोम वन है, ये क्रोमोसोम टू है, ये क्रोमोसोम टू है, ठीक है बेटा। अब ये क्रोमोसोम जो है दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये शो करेंगे पॉइंट, आप याद रखोगे, व्हाट दे विल शो, शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमें दिखाएंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहां तक। चलो अब आ जाते किस पे, फैक्टर्स पे, फैक्टर्स पे अगर तुम्हें ये वाला मिलेगा, ये पॉइंट आप याद रखोगे बेटा, व्हाट विल बी दिस क्रोमोसोम वन, क्रोमोसोम वन, और यहाँ पे आपको ए मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको स्मॉल ए मिल रहा है, यहाँ पे आपको कैपिटल बी मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्मॉल बी मिल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इंपॉर्टेंट नाउ, ये जो कंडीशन आपको मिल रही है, ये वाली कंडीशन, ये आपको मिल रही है लिंकेज की, किसकी मिल रही है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिंकेज की कंडीशन में रहे, डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिखोगे आप यहाँ पे, डू नॉट
show independent assortment. होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम की कभी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगी, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन आप याद रखोगे जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर होंगे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्ट. लेकिन अगर तुम्हें ये कंडीशन आ जाए वहां पे, पॉइंट टू बी नोट में तीनों कंडीशन आपको लिख के रखूंगा ताकि आप इसको आगे जाके मेमोराइज कर सकते हो. ये कौन बताती है हमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो अगर हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे जिसमें भी क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर वन, ओके, एंड हियर वी हैव अ जीन कैपिटल ए एंड हियर वी हैव अ जीन स्मॉल ए एंड वी हैव अ वन मोर क्रोमोसोम हियर दैट्स अ होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम टू. तो हमने बोला ये टू है, पेयर है हमारे पास. ठीक है बेटा, और हमने देखा यहाँ पे हमारे पास बी लोकेट है और यहाँ पे हमारे पास बी लोकेट है. अब यहाँ पे आप याद रखोगे व्हेन द फैक्टर्स आर लोकेट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अगर तुम्हें दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मिल रहे हैं, फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये देखो आप, तो इन दोनों के बीच में पॉसिबल क्या है, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो हम ये बोलेंगे इन दो के बीच में पॉसिबल हमें क्या है, इनडिपेंडेंट और शो इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये हमें दिखा सकते हैं इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है बेटा, तो तीन कंडीशन मैंने बताई अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तीन पॉइंट्स मैंने बताए. पहला पॉइंट क्या था, क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स आर इन पेयर. ठीक है, वो पेयर में होते हैं. दे शो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग और ड्यूरिंग मियोसिस एंड इंडिपेंडेंटली दे गेट असॉर्टेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बिकॉज बोथ हैव अ पैरेलल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस पेयर है, वो क्या हो जाएंगे, वो दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स. लेकिन अगर फैक्टर्स होंगे होमोलॉगस पेयर के ऊपर सेम क्रोमोसोम के, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दे शो द व्हाट लिंकेज, वी विल सी लेटर ऑन व्हाट लिंकेज इज इन अ क्रॉस. एंड इफ द फैक्टर्स विल बी लोकेट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये पॉइंट आप याद रखोगे. ठीक है ना, कल हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है ना बेटा, कल हम एक क्रॉस बनाएंगे, इस सारी चीजों को हम एक क्रॉस के थ्रू क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है.